तो बिहार विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विश्वास प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से लाया गया है उसी को लेकर अभी चर्चा चल रही है। इसमें तेजस्वी यादव फिलहाल आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव उन्होंने बड़े ही आक्रामक अंदाज में सदन के भीतर अपनी बात रखी, निशाने पर पूरे सम्मानजनक तरीके से नीतीश कुमार को लिया, कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया, और जो बार बार बात कही जा रही थी कि इस बार नीतीश ने अलग रास्ता महागठबंधन और आरजेडी से लिया, इस वजह से क्योंकि क्रेडिट काम का आरजेडी ले रही है, तो इसको लेकर भी साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि क्रेडिट क्यों ना लें, अगर काम हमारी वजह से हुआ तो क्रेडिट तो लेंगे, और साथ ही नीतीश कुमार दोबारा नहीं पलटेंगे, क्या इसकी मोदी वाली गारंटी मिलेगी लगे हाथ, ये भी बीजेपी से मांग कर डाली। मुझे लगता है कि अभी तक इस प्रस्ताव पर जो चर्चा सदन में हुई है उसी पर एक एक त्वरित टिप्पणी यहां मौजूद सभी मेहमानों की लेते हैं। शुक्ला जी आपसे शुरुआत करते हैं। मैं तेजस्वी जी का जो भाषण था बहुत ही संतुलित जी। और एक परिपक्व नेता के रूप में आज उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया, हालांकि इसके पहले भी चुनाव के समय पर जो उनकी रैलियां हो रही थी उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रभावी तरीके से जनता के बीच में अपनी बातों को रखा, और उसी का नतीजा था कि सबसे बड़े दल के रूप में अपने दम पे उन्होंने आरजेडी को खड़ा किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में ना तो लालू जी का चेहरा था ना राबड़ी जी का चेहरा था, तेजस्वी के कारण ही आरजेडी 79 सीटों पे जीती थी, और आज विधानसभा में सकारात्मक तरीके से बिना किसी की आलोचना किए उन्होंने अपनी बातों को रखा। और एक चीज़ और जो स्पष्ट किया वो ये कि कल को यदि नीतीश जी के साथ जाने की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी का जो स्वभाव है उसके चलते कल वो फिर से हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ऐसे में वो द्वार जो है संभावनाओं के लिए वो खुला रखा है। रामकृपाल सर, जो शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं एक बात और कहूँगा कि जिस दिन ये नीतीश जी ने आरजेडी से दामन छुड़ाया उस दिन भी तेजस्वी ने जो भाषण दिया था, बाकी बहुत सारे लोगों ने बड़ा उग्र भाषण दिया था, लेकिन तेजस्वी का जो कमेंट था बहुत ही समझदारी भरा कमेंट था, और उन्होंने बाकायदा धन्यवाद दिया था नीतीश जी को। तो मैं एक बात तो मानता हूँ कि ये एक बहुत मजे हुए राजनीतिक का भाषण था जी, लेकिन जो कुछ नीतीश कुमार ने अपने जीवन में किया है उनको सुनना, ये मौका खुद नीतीश कुमार ने दिया था और नीतीश कुमार दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, जो भी उन्होंने कहा है वो नीतीश कुमार का किया धरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जब आप बहुत आसानी से इस तरह का मौका देंगे तो कोई भी उसका फायदा ऐसे मौके पर उठाएगा, और ये मौका था, उन्होंने बिल्कुल सही बात रखी है। बिल्कुल सर, मतलब कसर कोई छोड़ी नहीं तेजस्वी यादव ने, लेकिन नीतीश पर जितने हमले उसमें थोड़ी सी नरमी वाली बात और बीजेपी पर पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज, आपका आकलन क्या रहा भाई जी? देखिए, मैं तो मेरे दोनों साथियों ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। उससे पहले दिबांग भी रेखांकित कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त उभार हुआ है, और वो बार बार उन्होंने चुनाव की संघर्ष में भी साबित किया, और अभी इस वक्त भी उन्होंने जो भाषण दिया वो बहुत ही प्रभावशाली भाषण था। मेरे ख्याल से बहुत कम प्रभावशाली भाषण पिछले दिनों इस तरह के देखने को आए हैं जो उन्होंने, और खास बात से उन्होंने जो कहा कि मोदी जी की गारंटी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन वो गारंटी दें कि ये दोबारा नहीं पलटेंगे, वो मेरे ख्याल से इस भाषण का सबसे केंद्रीय सबसे प्रभावशाली फिक्रा था। अब विजय सिन्हा साहब जो बोले उसमें, उसमें देखिए उन्होंने दो बातों पर अपना फोकस किया। पहले तो नीति तेजस्वी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया, और दूसरे परिवारवाद का आरोप है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित दृष्टिकोण है जो उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको रखा। अब देखिए नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, अब तो मेरे ख्याल से जो अब विश्वास प्रस्ताव है सरकार के पक्ष में, मुझे लगता है उसका एक तरह से फैसला हो ही गया है। बिल्कुल, वो तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसमें जिस तरीके से सत्ता पक्ष भारी पड़ा उससे ही तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से बातें रखी गई हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से, आपका आंकलन दिबांग जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत पॉलिटिकल भाषण था, और अगर आप आरजेडी को देखें तो आरजेडी कहीं ना कहीं एक दायरे में सिमटी हुई पार्टी रही, और तेजस्वी यादव की यहाँ ये कोशिश है कि वो उस दायरे से बाहर निकले, लगातार वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन के बेटे पर जो उन्होंने बात कही उससे बिल्कुल साफ है कि वो उस कोशिश में लगे हुए हैं।
यानी आरजेडी एक खास सीमा में बंधी हुई थी, उस सीमा को पार करने की कोशिश है और उसको एक गरिमामय तरीके से, तो आरजेडी की जो इमेज है वो भी बदलने की कोशिश है। आप ये देखिए, जब भी इस तरह के मौके होते थे पहले तो पूरा पटना जाम हो जाता था, पूरा पटना में प्रदेश भर से लोग आ जाते थे, तरह तरह के दंगे होते थे, दुकानें लूटी जाती थी। इस बार वो नहीं देखा गया और कल जब पुलिस आ गई थी इनके घर पर, तेजस्वी यादव के घर पर, तब भी जो भी विरोध प्रदर्शन हुए उसमें इस तरह का उत्पात नहीं दिखाई दिया, जिससे आरजेडी को अक्सर जोड़ा जाता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है और ये बात ऐसे स्वतः नहीं हो रही है, ये कोई नेता हैं जो उसको करवा रहे हैं और वो तेजस्वी यादव हैं। अगर आप देखें तो उनको बार बार जो उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में, वो है बेरोजगारी का, यानी युवाओं से, वो खुद युवाओं के नेता ये समझते हुए कि युवाओं की बड़ी संख्या है, युवाओं के नेता युवाओं से कंसर्न रखते हुए युवाओं की टीम बनाना चाहते हैं, ये भी उन्होंने साफ किया। और मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम ये चाहते हैं कि नए लोग हमारे साथ आएँ, अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्गों के लोग हमारे साथ आएँ। तब उन्होंने कही थी करीब 3 या 4 साल पहले, ये जो उनका आज का भाषण है उसमें वो दिखाई देता है कि उनकी कोशिश कहाँ जा रही है और कितनी वो सफल भी हो रही है। एक बात, जो तीखापन, जो कड़वापन युवा होते हुए वो दिखा सकते थे, उन्होंने नहीं दिखाया। अगर आप देखें पूरा कार्यकाल, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमेशा नीतीश कुमार जब भी आते थे उनके पाँव को छूना, उनके बैठने के बाद बैठना, ये वो चीज़ें हैं जो लोग नोटिस करते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग समझते हैं। और ये चीज़ दिखाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक बात है कि ये बड़े घमंडी हैं, अहंकार में हैं, उद्दंड हैं और ये होते ही ऐसे हैं, इसको एक तरीके से उन्होंने रोका है और लोग देख रहे हैं आज। और देखिए ना कैसे राममय माहौल में तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने राजा दशरथ का जिक्र किया, उन्होंने प्रभु श्री राम के वनवास का जिक्र किया और ऐसे में जो और ये दिखाता है मेजॉरिटी के साथ साथ ये भी दिखाता है कि वो आगे की राजनीति कैसे करने वाले हैं, ये उसका इशारा भी है। ABP News, आपको रखे आगे।